आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, केशियो, पियानो, कीबोर्ड, हारमोनियम, उसमें इसी प्रकार स्वर दिए हुए हैं जैसे आपको दिख रहा है, तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक प्रकार वन, सरगम का प्रकार वन हारमोनियम में बता रहा हूँ आपको। देखिए स्क्रीन पे ये दो ब्लैक स्वर दिख रहे हैं, जहाँ मेरी देखिए फिंगर आ रही है, एक दो। फिर आपको देखिए थ्री स्वर हैं ब्लैक, वन टू थ्री। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सा किसे कहते हैं, ये जो स्वर मेरी फिंगर जहाँ जा रही है ये स्वर होता है सा, सा। इसके जस्ट नेक्स्ट ब्लैक स्वर होता है रे, सा रे। अब आपको गा, तो ये दो जो वाइट स्वर दिख रहे हैं आपको, तो इस साइड वाला ये नेक्स्ट ब्लैक के पास में जो है ये गा। मैंने आपको तीन स्वर बताए, सा रे गा। आपको ध्यान ये रखना है, जिस प्रकार मैं फिंगर यूज कर रहा हूं उसी प्रकार आपको भी यूज करनी है। सा के लिए ये फिंगर आप देखिए, रे के लिए ये, और गा के लिए अपने को अपना थंब काम में लेना। तो कैसे, सा रे गा, उसके बाद मा मा पा धा, मा पा धा। मा पा धा के लिए ये तीनों फिंगर आपको यूज करनी है, मा पा और धा, मा पा धा। फिर नी के लिए वापस आपको थंब यूज करना है, नी सा। अब देखिए आप प्रकार वन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, प्रकार वन, उस प्रकार वन के अनुसार आपको ये सारे गामा बजाना है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हमने बजाया इसका आरो, अब आपको इसका अवरो, अवरो यानी वापस उल्टा बजाना है इसको, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसको वापस से एक बार प्ले करते हैं, फिर इस प्रकार सेकंड बताता हूं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा सा। इसी प्रकार आपको प्रकार टू, प्रकार टू में आपको क्या करना है, एक स्वर को टू टाइम प्ले करना, जैसे सा सा फिर रे रे गा गा मा मा सा 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 नी नी धा धा पापा मामा गा गा रे रे सा सा। इस प्रकार आप इन प्रकार वन और प्रकार टू की प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये स्वर पहचानना आना चाहिए कि सा कौन सा स्वर है, पा कौन सा है, रे कौन सा है, नी कौन सा है, ये सारे स्वर आपको पहचानना भी आना चाहिए, तब तो आप गाने बजा पाएंगे। और प्रैक्टिस अच्छी कीजिए। वंदे मातरम।